मिलती नहीं है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले अपने आप को दुर्विचारों से रहित कीजिए, दुर्भावनाओं से रहित कीजिए, दुर्वासनाओं से रहित कीजिए, कामना शून्य कीजिए, फिर आपकी की हुई पुकार परमात्मा के दरबार तक पहुंचेगी। विनम्र बनाइए अपने आप को, अभिमान शून्य बनाइए अपने आप को, दीनहीन बनाइए अपने आप को, तब परमात्मा सुनता है। आज ही से शुरू करना, पहले अपनी पवित्रता के लिए, पवित्रता ही योग्य बनाएगी आपको, पात्र बनाएगी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मन को मारना नहीं है साधक जनों, ये शब्द ऐसा नहीं है जैसे स्थूल शरीर मरता है, ना, मन का पवित्रीकरण ही मन का मरना है। मन सूक्ष्म हो जाता है, दुर्विचारों से रहित हो जाता है, दुर्भावनाओं से रहित हो जाता है, विकारों से रहित हो जाता है, रोगों से रहित हो जाता है। ऐसे मन को ही सूक्ष्म मन कहा जाता है, ऐसे मन को ही आपके द्वारा वश किया हुआ मन कहा जाता है। पार्थ, मन का वशीकरण कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। आशीर्वाद का बहुत कम स्थान है साधक जनों। अभ्यास एवं वैराग्य, आशीर्वाद का स्थान होता तो भगवान कह देते, अरे पार्थ क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे सिर पर हाथ रख देता हूं, बस ध्यान लग जाएगा, मन वशीकरण हो जाएगा मन का। ऐसा नहीं कहा। अभ्यास और वैराग्य, कपड़े की भूख नहीं मरती, नए नए प्रकार के भोजन की भूख नहीं मरती, इनके प्रति वैराग्य होना चाहिए। देवियों सज्जनों, फैशन तो बदलता ही रहेगा, कितने का कपड़े इकट्ठे करोगे, क्या कभी तृप्ति हो पाएगी इससे? 10 सूट पहले हैं, 10 साड़ियां पहले हैं, आज 21वीं और खरीद ली है, एक सूट और हो गया, कुछ ही महीनों के बाद फैशन फिर बदलेगा, फिर मन लटकाएगा आपको नए फैशन का सूट खरीदने के लिए। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, यहीं से वैराग्य शुरू होगा तो आगे बड़ी बातों के प्रति भी वैराग्य होगा। अभी तो आपने